और शुरुआत करेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। मुख्यमंत्री योगी से जुड़ी है, वो पहुंच गए हैं अयोध्या। जी हां, आज का उनका कार्यक्रम था, अयोध्या पहुंच गए हैं वो। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और चुनाव में विजय के उपरांत ये उनका पहला दौरा। रामलला के भी दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोबारा जीत के बाद पहली बार अयोध्या दौरे पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अयोध्या उनके हृदय में विशेष स्थान रखती है, और अयोध्या पहुंच गए हैं। 10 मार्च को परिणाम आए जिसमें जबरदस्त जीत हासिल की भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन ने, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च को फिर से एक बार उत्तर प्रदेश के परिक्रमा कर रहे हैं बजरंग, और अयोध्या पहुंच गए। और ये देखिए परिक्रमा कर रहे हैं, तस्वीरें सीधी हैं, हनुमानगढ़ी में है इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए जीत के बाद बजरंग बली का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इस वक्त हनुमानगढ़ी की तस्वीरें लाइव और एक्सक्लूसिव आपकी स्क्रीन पर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि अनन्य भक्त हैं श्री राम के और श्री हनुमान के, देखिए वह इस वक्त हनुमानगढ़ी में, और आप देख सकते हैं राजू दास जो कि पुजारी हैं हनुमानगढ़ी के, वो भी उनके साथ हैं और परिक्रमा कर रहे हैं इस वक्त हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के विग्रह का, और वहाँ पर जो संत समुदाय है वो भी उनके साथ है। आप तस्वीरें लाइव और एक्सक्लूसिव देख रहे हैं हनुमानगढ़ी से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहुँचे हैं तो सबसे पहले पहुँचे हैं हनुमानगढ़ी, और हनुमानगढ़ी में उन्होंने बजरंग बली के दर्शन किए हैं, उनका पूजन किया है, और इस वक्त परिक्रमा कर रहे हैं हनुमानगढ़ी की। विवेक त्रिपाठी इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं, वो हमें बताने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं कि क्या चल रहा है इस वक्त, क्या कार्यक्रम चल रहा है विवेक मुख्यमंत्री का, दिखाइए और बताइए। बिल्कुल राजन, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर पहले यहाँ पर रामगढ़ी जो हनुमानगढ़ी है वहाँ पर दर्शन करने आए थे। उन्होंने पूरे दर्शन किए, आरती की, उसके बाद परिक्रमा की है, और उनके जाने के बाद लोगों को यहाँ दर्शन के लिए, सामान्य दर्शन के लिए खोला गया है जो श्रद्धालु आए हैं। लेकिन इस समय मंदिर, आप देख रहे हैं पर्दा सामने पड़ा, इस समय मंदिर बंद है, और यहाँ से मुख्यमंत्री सीधे जो राम जन्मभूमि है वहाँ पर गए हैं, रामलला के दर्शन करेंगे। रामलला के दर्शन करने के बाद जो रामकथा पार्क है, अंतर्राष्ट्रीय रामकथा पार्क, वहाँ पर एक समीक्षा बैठक रखी गई है। उस समीक्षा बैठक में जिले के सारे अधिकारी, पुलिस अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी बुलाए गए हैं, और कल से जो नवरात्र शुरू हो रही है चैत्र नवरात्र, उसकी तैयारियों की समीक्षा करेंगे, कहां पर क्या इंतजाम हुए हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा आयोजन होता है अयोध्या के लिए और पूरे प्रदेश के लिए, चूंकि श्री राम की नगरी है अयोध्या, और नवरात्र का पहला दिन है कल। कल से लेकर पूरे 9 दिन लगातार यहाँ पर जो संत समाज है पूरे देश भर का वो इकट्ठा होगा। इसके अलावा श्रद्धालु आएंगे, यानी प्रदेश के और देश के, इसके अलावा विदेशों से भी जो भारतीय रहे वो भी श्रद्धालु के तौर पर यहाँ आएंगे, दर्शन कर रहे हैं हनुमानगढ़ी के, दर्शन करेंगे, सरयू में स्नान करेंगे, श्री राम जन्मभूमि जाएंगे, श्री राम लला के दर्शन करेंगे। तो ये बहुत बड़ा आयोजन होता है। ये कहा जा रहा है कि कल 10 से 12 लाख लोगों की भीड़ जुटेगी यहाँ पे स्नान करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए। आखिरी दिन यानी नवरात्र का आखिरी दिन ये भीड़ दोगुनी हो जाएगी, 20-24 लाख लोगों के यहाँ पर आने की संभावना है। तो इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, इतनी बड़ी भीड़ के लिए व्यवस्थाएं करने के लिए क्या इंतजाम है यहाँ पर, जो पुलिस प्रशासन है, जो यहाँ की मशीनरी है, उसने क्या क्या इंतजाम किए हैं अभी तक, ये समीक्षा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। थोड़ी देर में एक बैठक शुरू होगी, जो म्यूजियम है श्री रामकथा पार्क में वहाँ पर बैठक शुरू होगी। बैठक में सारे जो अधिकारी हैं वो पहुँच चुके हैं, कुछ देर में वहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँचेंगे। जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, वो कहाँ ठहरेंगे, उनके आवागमन की व्यवस्था क्या है, इसके अलावा अयोध्या नगरी की बात करें तो अयोध्या में इतने लोग आएंगे तो साफ सफाई की व्यवस्था क्या है, उनके जो श्रद्धालु होंगे अगर कोई बीमारी या समस्या होती तो उनकी चिकित्सा सुविधा के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए, ये सारी व्यवस्थाओं को वो देखेंगे। इसके अलावा सरयू में कितना पानी है, 5000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है अभी, यानी पानी का प्रवाह निरंतर बना रहे और साफ स्वच्छ जल बना रहे, इसके लिए भी सिंचाई विभाग से बात हुई है, तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद है, सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौजूद, ये पूरे इंतजाम आज किए गए हैं, और इनमें कहां तक क्या कमी है ये आज बताएंगे अधिकारी, और उसको कैसे पूरा किया जाएगा ये तय करेंगे मुख्यमंत्री। थोड़ी देर बाद बैठक होगी, बैठक करीब 1 घंटा चलने की बात कही जा रही है। उसके बाद संत समाज के लोगों से मुलाकात करेंगे, जो यहाँ के संत समाज है उनसे बातचीत होगी, जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं, मंदिर का निर्माण कार्य है वो कितना आगे चल रहा है, कहाँ तक पहुँचा है, क्या कमियाँ हैं, क्या समस्याएं हैं, कौन सी बाधाएं आ रही हैं रास्ते में, ये सब बारे, इस बारे में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानकारी लेंगे। यानी दोबारा शपथ ग्रहण करने के बाद आज उनका पहला दौरा है, और इस
इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पिछले 5 साल यानी पहले 2017 से 2022 तक जो सरकार रही है उसमें योगी आदित्यनाथ ने 42 दौरे किए हैं, 42 बार वो आए हैं, दर्शन पूजन किया है। इतना कोई भी मुख्यमंत्री अभी तक यहां पर अयोध्या में नहीं आया, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। जो विकास कार्यों की नींव 2017 से लेकर 22 तक रखी गई थी उनकी क्या स्थिति है, वो कहाँ जाएंगे, वो कितने आगे जा चुके हैं, इसको लेकर अब और आगे किस तरह से अयोध्या को डेवलप करना है, चूंकि अयोध्या एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहुंच चुका है, अंतरराष्ट्रीय पटल पर इसकी पहचान बन चुकी है, अब क्या क्या काम होने हैं, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यहां पर बन रहा है जो सीधे विदेशों से फ्लाइट होगी, इसके अलावा जो और बस स्टेशन है यहां पर, रेलवे स्टेशन है, उनको उच्चीकृत कर दिया गया है, उनका स्वरूप ही बदल दिया गया है, पूरी अयोध्या का स्वरूप बदल चुका है। जो नगरी जो सकरे रास्तों के लिए जानी जाती थी, श्री राम की नगरी, प्रभु श्री राम की नगरी, वो आज चौड़ी चौड़ी सड़कें हो गई हैं, तमाम जगह पर सुविधाएं हैं, जो पब्लिक सर्विसेज के लिए जो यूटिलिटीज होती हैं वो नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज बहुत सारी चीजें वहां पर बदली हुई हैं, अयोध्या में बहुत काम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा विवेक कि पिछले कार्यकाल में 42 बार वो अयोध्या गए और पूरी दुनिया ने देखा कि अयोध्या कैसे सजी संवरी है, अयोध्या में क्या बदला है। यहाँ तक कि अयोध्या को कई राजनीतिक दलों ने, जो कि बीजेपी के विरोधी राजनीतिक दल हैं, उन्होंने अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया, वहां से अपने राजनीतिक कार्यक्रमों की शुरुआत की और एक राजनीतिक संदेश देने का भी प्रयास किया। ये सब हमने देखा है जो अयोध्या में हुआ है विवेक। लेकिन क्या हनुमानगढ़ी से दर्शन पूजनों के पश्चात मुख्यमंत्री निकल गए हैं और वहां से निकले हैं तो बिल्कुल ठीक आगे का कार्यक्रम क्या है उनका? जी बिल्कुल राजन, सबसे पहले देखिए परंपरा यही है, जब भी यहाँ कोई आता है तो सबसे पहले दर्शन इसी हनुमान गढ़ी में करता है। हनुमान जी जो प्रभु श्री राम के भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, उनका दर्शन पूजन करने के बाद श्री राम लला के दर्शन करने जाता है, ये परंपरा है यहाँ पर। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी आते हैं, या उनकी बात करें, सबकी बात करें, आम जनता की बात करें, तो सभी लोग यहाँ सबसे पहले यहाँ दर्शन करने आते हैं। तो आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ सबसे पहले हनुमानगढ़ी आए हैं, उनका जो हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है वो श्री राम कथा पार्क के पीछे हेलीपैड बना हुआ है, वहाँ हेलीकॉप्टर लैंड होने के बाद सीधे सड़क मार्ग से वो यहाँ पहुँचे और यहाँ पर आरती की है, आरती करने के बाद परिक्रमा की है इस पूरे मंदिर को, और यहाँ से करीब 5 से 7 मिनट का समय उनको इस पूरे पूजा अर्चना में लगा। उसके बाद वो निकल गए और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट, जहां पर श्री राम लला का विग्रह है, वहां पर वो गए हैं, वहां दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद वो ठीक थोड़ी दूर पर करीब 1 किलोमीटर का जो रास्ता है वो तय करके श्री राम कथा अंतर्राष्ट्रीय श्री राम कथा पार्क पहुंचेंगे और वहां पर वो बैठक म्यूजियम में, एक जो बड़ा हॉल है वहां वो बैठक रखी गई है। बैठक के लिए ऑलरेडी चूंकि जिला प्रशासन के अधिकारी और तमाम साधु संत समाज और अयोध्या जो हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी हैं राजू महंत राजू दास, वो मुख्यमंत्री के साथ हैं, जो ट्रस्ट के लोग हैं वो साथ में हैं। दर्शन पूजन करने के बाद सीधे मुख्यमंत्री, यानी 10 से 15 मिनट का समय लगेगा, वो पहुंच जाएंगे श्री राम कथा पार्क और वहां म्यूजियम में जो बड़ा हॉल है उसमें एक बैठक रखी गई है, उस बैठक को संबोधित करेंगे और सारी तैयारियों की समीक्षा करेंगे, खुद जायजा लेंगे, एक एक सवाल उन्होंने, जो श्रद्धालुओं को किसी तरह की समस्या ना हो वो पूरी बात करेंगे अधिकारियों से, और अगर कहीं कोई समस्या आ रही है तो उसको निस्तारण के लिए कहेंगे। और देखिए मंदिर खुल चुका है, ये कुछ देर के लिए जो विश्राम का समय होता है, साफ सफाई का समय होता है, मंदिर बंद हो जाता है, लेकिन मंदिर फिर से खुल गया है हनुमानगढ़ी का, और दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु तमाम जो प्रदेश के अलग अलग जगहों से आए हैं, वापस देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, एक बीच में ब्रेक होता है वो समाप्त हो गया है और अब फिर से आम जो श्रद्धालु हैं, जो आम बजरंग बली के भक्त हैं, साधारण नागरिक हैं, वो उनका दर्शन कर सकेंगे। अब बिल्कुल यही समय होता है विवेक, जो लोग हनुमानगढ़ी गए हैं उन्हें इस बात का अंदाजा है। लेकिन विवेक आप कह रहे थे कि वो म्यूजियम जाएंगे, वहां पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, और बिल्कुल ठीक बात यह भी है कि कल से चैत्र नवरात्रों का प्रारंभ हो रहा है और इन्हीं नवरात्रों में रामनवमी का पर्व पड़ता है, जो कि प्रभु श्री राम का जन्मदिन भी मानी जाती है, और उस दिन प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना की बहुत विशेष परंपराएं हैं, इसलिए भी अयोध्या का महत्व जो है वो बढ़ जाता है इन नवरात्रों के समय में। क्या पिछले सालों की तुलना में इस नवरात्र में कुछ विशेष आयोजन किए गए हैं अयोध्या में, कुछ बहुत विशेष दिखने वाला है श्रद्धालुओं को, भक्तों को, पूरी दुनिया के? बिल्कुल राजेंद्र, देखिए पिछले 5 साल जो थे वो अयोध्या के लिए बहुत खास थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि यहाँ पर जो विकास कार्य की जो गंगा, जो सरयू नदी हम कहें अगर बहनी शुरू हुई, जो सरयू का पानी बहना शुरू हुआ, किस तरह से सरयू का घाट बनाया,
किस तरह से रेलवे स्टेशन बनाया गया, किस तरह से बस अड्डा बनाया गया, किस तरह से पूरी जो सड़कें हैं वो मरम्मत कराई गई और सड़कों का चौड़ीकरण किया गया, जो अतिक्रमण की समस्या थी वो खत्म की गई, तमाम रास्तों पर सीवर लाइन कहीं नहीं थी, बहुत सारे इलाके ऐसे थे वो बनाए गए। तो 5 सालों के दौरान जो हुआ वो लोगों के जहन में है और धर्म को जोड़ कर, चूंकि धर्म नगरी है अयोध्या, श्री राम की नगरी है, प्रभु श्री राम की नगरी, तो वहाँ पर पिछले साल जो लोग आते थे, जो लोग ये सोचते थे कि अयोध्या बहुत तंग है और एक गंदा शहर है, गंदगी, चूंकि पूजा अर्चना में लाखों करोड़ों टन फूल, यहाँ पर लाखों टन फूल निकलता है, प्रसाद है, चिपचिपा पूरी जमीन, अगर मंदिर के हम देखो तो यहाँ भी अगर हम पैर रखेंगे तो चिपचिपा रहे, लेकिन अब वो दौर नहीं है, अब साफ सफाई है, चिकना फर्श है, हर समय साफ सफाई होती है, जो फूल हैं, फूल निकलते हैं पूजा पाठ के लिए, जो चढ़ाए जाते हैं भगवान को, माला अर्पण की जाती है, वो सब उनके निस्तारण की व्यवस्था हो गई। तो एक ऐसी सिस्टम बना दिया गया है कि अब लोग यहाँ पर आना चाहते हैं और 5 साल के दौरान ये सिस्टम डेवलप हुआ है। तो अब की साल चूंकि योगी आदित्यनाथ 2.0 हैं, उन्होंने शपथ ली है दोबारा मुख्यमंत्री बने, और दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आए हैं, सारी व्यवस्थाएं यहां पर, और अब की बार जो पिछले साल भीड़ होती थी, यानी पिछले सालों कुछ अगर 5 साल की बात करें तो जो भीड़ होती थी उससे दोगुनी भीड़ अब की बार यहां पर होगी। बताया जा रहा है कि 10 से 12 लाख लोग कल से आना शुरू हो जाएंगे, पूरे देश प्रदेश से, विदेशों से भी आएंगे, और उसके बाद जो रामनवमी है यानी नवमी का दिन, आखिरी दिन, उस दिन दोगुनी क्षमता से यहाँ पर लोग आते हैं, यानी अब की बार ये उम्मीद की जा रही है, ये संभावना जताई जा रही है कि यहाँ 22-24 लाख आदमी श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करेगा, चूंकि उन लोगों में जो श्रद्धालु हैं उनमें बुजुर्ग भी होते हैं, उनमें महिलाएं भी होती हैं, उनमें बच्चे भी होते हैं, तो इसलिए योगी आदित्यनाथ के कंसर्न ज़्यादा हैं, उनका जो जुड़ाव है वो ज़्यादा है कि यहाँ पर किसी भी तरह की श्रद्धालु को समस्या ना हो, यही वजह है कि वो यहाँ पर आए हैं, उनको एक आकलन है भीड़ का कि इतनी ज़बरदस्त भीड़ होगी, तो जाहिर सी बात है अयोध्या छोटा सा नगरी है, जो प्रभु श्री राम का जगह है, अगर हम मंदिर की बात करें, हनुमानगढ़ी की बात करें, श्री राम जन्मभूमि की बात करें, श्री राम कथा पार्क की बात करें, सरयू घाट की बात करें, छोटा शहर है और उसमें अगर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं तो उनके रहने की क्या व्यवस्था हो, कैसे सहूलियत के साथ वो दर्शन पूजन कर सकें, शांत चित्त ध्यान लगा सकें वहाँ पर, और कैसे सुरक्षित वापस अपने अपने घरों को लौट सकें, इसकी व्यवस्था निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के जहन में होगी और इसीलिए वो अधिकारियों के साथ बैठने जा रहे हैं रामलला के दर्शनों के बाद। लेकिन विवेक, मुझे लगता है थोड़ी ही देर में रामलला के उनके दर्शन की तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख पाएंगे और वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को ज़रूर दिखाएंगे, आप भी हमारे साथ बने रहिए।